हेलो व्यूअर्स, मैं नमिता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के फिटनेस सेगमेंट में। कहते हैं सकारात्मक सोच अगर अपनाया जाए किसी भी काम को लेके तो वो काम पूरा जरूर होता है, और रेकी मदद करता है सकारात्मक सोच को डेवलप करने में, उत्पन्न करने में। इसलिए तो मैं आपको लेके आई हूँ एक बार फिर से टाइनी टॉट स्कूल में, जो कि सिचुएटेड है अलीपुर में। यहाँ पे चल रहा है लाइव रेकी क्लासेस, जो कि कंडक्ट कर रहे हैं अमर कुमार जी, ग्रैंड मास्टर अमर कुमार। चलिए देखते हैं इस क्लासेस में और क्या क्या हो रहा है। ताजा टीवी के दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। ताजा टीवी के क्रू, आज लाइव क्लास जो फर्स्ट डिग्री का चल रहा है टाइनी टॉट स्कूल में मेरा, यहाँ आए हुए हैं। और आज दूसरा दिन है। पहले दिन तो लोग शुरुआत करते तो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन हाँ, घर जाने के पहले वो एनर्जी समझते हैं। जब एनर्जी या रेखी मिलती है तो हाथ गर्म होने लगते, वाइब्रेशंस होते। हाँ, नए दर्शकों को फिर से बताऊं कि रेखी मास्टर, जब आप क्लास में, दो दिन का क्लास होता है, और जब क्लास में आते हैं तो आपके चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। चक्र जो हैं वो हैं एक सक्शन फैन सी, समझ लें, घूमती हैं, जो अपने ऑरा पे है। ऑरा मतलब एक एनर्जी फील्ड है अपने बाहर, जैसे इलेक्ट्रिक वायर की एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने बाहर हम भी एटम के बने हुए हैं, तो हमारे बाहर एक फील्ड है और इसको कहते हैं ऑरा। ऑरा पे 7 चक्र हैं, और जिनका काम है एनर्जी को लाना। कौन सी एनर्जी? रेकी। और रेकी का मतलब, ये तो जापानी भाषा में गुरुजी ने नाम दिया, इसका मतलब है सर्वव्यापी जीवन शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी। ये शक्ति जब शरीर में एडिक्वेट मात्रा में है और सब जगह ठीक से प्रवाहित हो तो हम हेल्दी हैं। कहीं पे इसका प्रवाह कम हो जाए तो वहाँ मुश्किल होती, डिजीज होने लगते हैं। और इसका असर मन पे भी होता है, सिर्फ शरीर पे नहीं, है ना। तो अब रेकी मास्टर का काम है कि चक्रों को वो जागृत करते, सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट करते तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एनर्जी को लाती है चक्र और शरीर को देती है। और जब ये एनर्जी ज़्यादा आती है तो हाथ गर्म होने लगते हैं। अब व्हाट इज रेकी? जैसा बताया, जीवन शक्ति, मतलब ईश्वर की शक्ति। जीवन तो और कोई दे नहीं सकता। आज पहले पुराने ज़माने में हमने सुना है कि साधु संत किसी पे हाथ रख दे तो वो ठीक हो जाती। अब ऐसा ही कुछ कर पाना हम साधारण लोगों के लिए, कुछ मात्रा में, जो हमारे लिए काफ़ी है, ये गुरुजी की कृपा, जो डॉक्टर मिकाओ सुई आज से जापान में 125 साल पहले दे गए। तो दो दिन के क्लास में एक बार क्षमता मिल गई रेकी को प्रवाहित करने की, तो ये सारी उम्र रहती है। और क्लास में एनर्जी समझ लेने के बाद तरह तरह की प्रैक्टिस होती हैं, जिससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं एनर्जी का प्रभाव अपने ऊपर समझें। एनर्जी जो देते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं अट्यूनमेंट, ATTUNEMENT। रेकी के क्लास में सबसे ज़रूरी काम अट्यूनमेंट का है, एनर्जी पाने का है, जो रेकी मास्टर का पहला काम है। तो शुद्ध रेकी, जो रेकी मास्टर होते आम कम होते सोसाइटी में, लोग क्विक रेकी मास्टर बहुत होते हैं, जो दो दिन में मास्टर हो जाते, और यहीं पे वो गलती करते अट्यूनमेंट में, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं। क्योंकि अपने ये जो एनर्जी आती है वो करते हैं, जैसे कोई नर्स अगर गायनिक सर्जन का काम करे तो बच्चा तो निकालेगी, लेकिन ब्लीडिंग शायद बंद नहीं हो, कोई आफ्टर इफेक्ट गलत हो। तो सही रेकी ज़रूर सीखना, और रेकी मास्टर कौन कैसे हैं उनकी बैकग्राउंड ज़रूर खोजना। उसके लिए जितनी भी खोज हो आपकी वो उचित है। तो शुद्ध रेकी कहीं मिले, कहीं भी सीख सकते हैं। तो आइए अब क्लास में क्या हो रहा है उसको देखें। लाइव क्लास है तो जैसे चलता है वैसे ही ये लेते हैं, और पार्टिसिपेंट्स, उनको क्या लगा वो बताएंगे, और फिर हम लोग एक जनरल आइडिया कर पाएंगे कि रेकी में क्या होता है इस दो दिन में। आइए क्लास को देखते हैं। अब हम लोग जो करने को जा रहे हैं, इसके 3 नाम हैं। पहला नाम इसका है रेकी मेडिटेशन। नाम से क्लियर है, मेडिटेशन एक काइंड ऑफ मेडिटेशन जिसमें रेकी की मदद हो, तो बड़ा इंटेंस है। दूसरा नाम इसका है
टू बिकम सेंटर्ड उससे रिलेटेड है, सेंटरिंग एक्सरसाइज। कब सेंटर्ड का मतलब समझते हैं, केंद्रीभूत होना। कब केंद्रीभूत हो सकते हो, कब सेंटर्ड हो सकते हो, कब फोकस्ड हो सकते हो, जब मन ब्लैंक हो। इसमें वो कुछ एक्सपीरियंस करेंगे क्या होती है वो स्थिति जो ब्लैंकनेस की है ना। और जो पॉपुलर नाम इस एक्सरसाइज का है वो है गोल्डन बॉल एक्सरसाइज। आप रिपीट करेंगे कोई नहीं, करें, चश्मा घड़ी खोल लें। गोल्डन बॉल एक्सरसाइज इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें अपनी उच्च चेतना शक्ति जिसको देखा नहीं है ना, कोई कहे कि अपनी हायर कॉन्शियसनेस को देखा क्या, तो नहीं, उसको कल्पना में एक रूप देंगे। कल्पना में सोचेंगे कि वो एक गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल मेड ऑफ लिक्विड, तरल पदार्थ से बना एक सुंदर सा सुनहरा बॉल, गोल्डन बॉल, यही मेरी उच्च चेतना शक्ति है। अब इसको हम यूज करेंगे सातों चक्र जिसके बारे में हम जानते हैं अब, है ना। सातों चक्रों का रंग होता है ये भी आप जानते हैं। ये गोल्डन बॉल हर चक्र में जाएगा और चक्र का रंग जो है बिबजोर, है ना, वॉयलेट इंडिगो करते हुए रेड। इस रंग, गोल्डन रंग, उस चक्र के रंग से मिलेगा, दोनों मिलकर एक नया रंग बनेगा और वो नया रंग, उसमें एक क्षमता होगी उस चक्र को शुद्ध करने की। चक्र अगर शुद्ध हो गया तो अपनी पूरी पोटेंशियल से आपको काम करेगा और उसका इम्पैक्ट आप पे आएगा। इज इट ओके? गोल्डन बॉल एक्सरसाइज, हर चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे तो उसका असर आएगा। अब हर चक्र पे लाने के लिए, एक चक्र से नीचे लाना, से नीचे लाना, और आखिरी में जब नीचे रूट चक्र पे आ गया तो गोल्डन बॉल को हम ऊपर उठाकर हारा पे छोड़ेंगे, नाभि के नीचे, पेट के ऊपर। आमार नाम सोमनाथ मुखर्जी, आमी दो दिन फर्स्ट डिग्री एक ही ते अटेनमेंटे प्रचंड भावे माने रेकी एनर्जी के अनुभव करेछी। आमी निजेर ओपर रेकी चिकित्सा करेछी, करे खूब माने भालो फल पेयेछी। तबे रेकी जे एकटा रेकी क्षमता के मुखे बोले बोझानो जाय ना जतक्षण ना एटाके निजे अनुभव करा जाच्छे। I'm Lipika Datta Majumdar. I've come from Tollygunge to attend this two-day Reiki class. Before coming, I had a curiosity like what it is and how to go about it. After this attunement, I could feel like Reiki is really something I could feel in my hands. Like there is some power which I can feel. Just few minutes back, we had a group exercise, like a group healing process was going on. I could feel when everybody, the other, my partners, they were giving me this Reiki, I could feel very much like something, very discomfort, something going on in my this one. But after a certain period, I felt very, very, very relaxed. पूरे शरीर पे इसका क्या असर समझने की कोशिश। परिवार में भी अगर कोई बीमार हो और बाकी सदस्य जानते हो तो ग्रुप रेकी की जा सकती है। असर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई हाथों से एनर्जी जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जाने का उसका एक पॉजिटिव असर होगा। मेरा नाम मीना गुप्ता है, मैं हावड़ा नंदी बगान से आई हूँ। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने यहाँ आके एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ी एनर्जी भी मिली और मेरी आँख में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब कम दिखता था, तो आज लिया मैंने, उससे थोड़ा मेरे को फ़र्क है। मेरा नाम विभा गर्ग है, मैं रेकी को लेकर काफ़ी दिनों से क्यूरियस थी। किसी के भी मतलब रेकी सुनने से मेरे मन में ये इच्छा रहती थी कि मैं जाऊं, कुछ मेरे को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लकीली एक दिन टीवी पे श्री अमर कुमार जी का प्रोग्राम देख के मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं खुद ही ये प्रोग्राम करूँ। तो यहाँ आके जो अटूनमेंट है उसके बाद मुझे अपने हाथों में काफ़ी मतलब उस चीज़ को मैंने महसूस किया, काफ़ी गर्मी है उस चीज़ को महसूस किया और जैसे जैसे कोर्स बढ़ता गया तो उसमें मेरा विश्वास जो पहले सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी काफ़ी बढ़ा। नेक्स्ट पोजीशन पे बेल जब पड़े, 3 मिनट हो जाए तो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएं। जहां टच नहीं करना ऊपर से दे सकते, और जब ऊपर से रेकी देते जैसे मेल फीमेल तो भी रेकी जाएगी और दोनों को समझ में आएगा।
पेशेंट और डॉक्टर इस एक्सपेरिमेंट को करें, जहां नहीं हाथ देना चाहिए वहां ऊपर से दें और फील करें। जितने शरीर को छुएंगे उतनी समझ बढ़ती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, एनर्जी जो फ्लो करती है उसकी समझ बढ़ती है। इसलिए दूसरों को ट्रीटमेंट देना बहुत अच्छा है। अब 3 मिनट हो जाए, बेल पड़े तो हाथ से एनर्जी को बंद करेंगे और डॉक्टर से अपनी फीडबैक लेंगे, पेशेंट से, और पेशेंट को फीडबैक देंगे, आपने क्या महसूस किया, अपनी समझ बढ़ाएंगे। I am Raj Gopalan. I stay in New Alipur and I am working in Indo Flowgates Limited as a marketing chief. I have as a hobby interest in occult sciences, and out of curiosity I joined Reiki class last week, and it has been a tremendously good experience for me. I also have this problem of sugar for a couple of years. Because of that I have this lethargy feeling, and with Reiki I can say there is a tremendous improvement in overall energy level, and also I find improvement in the sugar levels within a week's time. आपने अभी लाइव क्लास देखा, अब खत्म होने का स्टेज, लोगों की बातें सुनी जिन्होंने आकर के क्लास किया है। क्या लगता है, 2 दिन बहुत कम है कोई बहुत बड़ा प्रभाव दिखाने को, फिर भी झलक तो मिल ही जाती है ना? तो ज़रूर सीखिए, 2 दिन का क्लास हर हफ्ते होता है, और अगला क्लास फिर टाइनी टॉट स्कूल में 15-16 तारीख को नवंबर में है, 9:30 से 5:30 का टाइम। फ़ोन करें या वेबसाइट देखें, वेबसाइट में शेड्यूल मिलता है, वो भी आपके टीवी के स्क्रीन पे है। आपका स्वागत है यहाँ। कहीं भी रेकी सीखिए, शुद्ध रेकी सीखिए। नमस्कार। तो देखा आपने कितना कुछ होता है रेकी क्लासेस में, कितना फायदा पहुंचता है लोगों को, मन में शांति होती है, और साथ ही साथ जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये सब डेवलप होता है रेकी के माध्यम से। तो अगर आप भी रेकी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम इनरोल करा सकते हैं रेकी क्लासेस में। हर वीकेंड्स पे यानी सैटरडे संडे को रेकी क्लासेस कंडक्ट की जाती है ग्रैंड मास्टर अमर कुमार द्वारा, और उस कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो उस रेकी क्लासेस में आप अपना नाम इनरोल ज़रूर से करा सकते हैं। या फिर कुछ डिटेल्स और भी आप जानना चाहें तो वेबसाइट www.reikikendra.com पे लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार तक के लिए नमस्कार।